In continuation with the stroke topics that we talked about last time, stroke yani paralysis yani lakwa, खून की नस बंद हो जाने की वजह से, आर्टरी के ब्लॉकेज हो जाने की वजह से, वहां से कुछ छोटे छोटे पीसेस टूट के ब्रेन में जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे अटैक यानी माइनर अटैक्स यानी माइनर स्ट्रोक्स होते हैं। और ये हो के ठीक हो जाते हैं। एक किस्म की वार्निंग है आपके लिए कि कोई प्रॉब्लम है जिसका हमें इमीडिएटली समाधान, उसका क्योर, उसका जो जो ट्रीटमेंट है वो हमें कराना चाहिए। अब इस चीज को अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप इमीडिएटली आपके जो लोकल डॉक्टर हैं या जो आपके आसपास के जो भी आपके फिजिशियन या स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास आप जाके आप अपने आप को ये आप अपने सिम्टम्स के बारे में बताएं, और उनसे अगर वो अपने आप सजेस्ट करते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं तो उनको कह सकते हैं कि जी मेरी दिमाग की खून की नस यानी कैरोटिड आर्टरी का एक डॉपलर एग्जामिनेशन, एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर एग्जामिनेशन प्लीज करवा दीजिए, ये चेक करने के लिए कि वहां पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट टेस्ट है कि ये अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड करने से, डॉपलर करने से हमें पता लग सकता है कि हमारी दिमाग को जाने वाली खून की नस में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, और अगर है तो कितना है, कितने परसेंट है, कहां से कहां तक है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी स्टडीज के बाद में ये कंफर्म हुआ है कि 70% के ऊपर अगर कोई ब्लॉकेज होता है इन दिमाग में जाने वाली नसों में, तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, उस नस को खोलना बहुत जरूरी है, खास करके जब उसमें सिम्टम्स हो रहे हैं यानी आपको कुछ ये मिनी स्ट्रोक्स वगैरह हो रहे हैं, तो ऐसे से केसेस में इन नसों को खोल देना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी दिन कंप्लीट नस बंद हो जाने से पूरा फालेज यानी डेंस हेमिप्लीजिया यानी अधरंग आपको हो जाएगा, जिससे फिर कोई रिकवरी नहीं होगी। एक दफा जब पूरा फालेज या अटैक हो जाता है तब रिकवरी बहुत स्लो होती है, ना के बराबर होती है, और अगर होती भी है तो बहुत लंबे अरसे के बाद में, और फिर भी काफी डेफिसिट यानी कुछ ना कुछ कमी कमजोरी रह जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको हमें प्रिवेंट किया जाए, खास करके जो लोगों को रिस्क ज्यादा है, जैसे मैंने बताया डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, सिगरेट स्मोकिंग की प्रॉब्लम, इन सब तकलीफों की वजह से ये इसके रिस्क बढ़ जाते हैं, और ऐसे लोगों को खास सतर्क रहना चाहिए अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हों।